देश में इस वक्त हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां कुछ वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कर रहा है तो दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। इस बहस में राजनीतिक लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी उतर आए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के इस दावे पर कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी भाषा पर एक्टर अजय देवगन ने कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के बयान पर जवाब दिया है, जिसके बाद अब इस विवाद में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी आ गए हैं। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बताया है। किच्चा सुदीप का समर्थन करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अभिनेता सुदीप किच्चा का ये कहना है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, सही है। उन्होंने कहा कि सुदीप के बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अभिनेता अजय देवगन न केवल स्वभाव से हाइपर हैं, बल्कि अपने अजीबोगरीब व्यवहार को भी दिखाते हैं। कुमार स्वामी ने यह भी कहा कि अजय देवगन बीजेपी के हिंदी राष्ट्रवाद के वन नेशन वन टैक्स वन लैंग्वेज और एक सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी अजय देवगन के ट्वीट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हिंदी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं थी और ना ही कभी होगी। आपको बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ जब अजय देवगन ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। वो कन्नड़ अभिनेता सुदीप किच्चा के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपको बता दें, कन्नड़ फिल्म केजीएफ अध्याय दो पर एक टिप्पणी का जवाब देते हुए सुदीप ने कहा था कि हर कोई कहता है कि एक कन्नड़ फिल्म जो अखिल भारतीय स्तर पर बनाई गई है, लेकिन एक छोटा सा सुधार कर दूं कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी फिल्म उद्योग पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड कई अखिल भारतीय फिल्में बनाता है जो तेलुगु और तमिल में रिलीज होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसकी अलग और सब पहुंच बन रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय देवगन ने कहा कि एट किच्चा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी, जन गण मन। इसी पर पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने कहा कि हिंदी बेस्ड राजनीतिक दलों ने हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदी थोपना शुरू किया, जिसे भाजपा के द्वारा जारी रखा जा रहा है। हालांकि दोनों अभिनेता बाद में इस विवाद को शांत करते हुए भी नजर आए। सुदीप ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी अलग संदर्भ में की गई थी, ये टिप्पणी किसी को आहत करने या भड़काने के लिए नहीं थी। इसके बाद अजय देवगन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हेलो किच्चा सुदीप, आप दोस्त हैं, गलतफहमी दूर करने के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को एक माना है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।